हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जैसा कि आज 15 अगस्त का दिन है और इसके साथ ही ये देखिए दोस्तों, मेरी तरफ का मौसम एकदम से प्रचंड वाला धूप किए हुए है और गर्मी किए हुए है। बारिश के बाद धूप वाला मौसम हो गया है दोस्तों। उसके बाद चलिए दोस्त, आज के ब्रेकफास्ट में मैंने दोस्तों लौकी का पकौड़ी बनाई थी। उसके लिए सबसे पहले मैंने बेसन का घोल तैयार कर ली हूँ। इसमें हल्दी और नमक और लाल मिर्च का पाउडर, ये सब मसाले डालकर मैंने पकौड़ी के लिए दोस्तों घोल तैयार कर ली हूँ। उसके बाद फ्राई पैन को गैस पे चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल डाल दी हूँ। जब तेल गर्म हो गया है तो उसमें जो लौकी को कट करके रखी हुई हूँ उसको घोल में लपेट कर, उसके बाद इस तेल में फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मेरा यमी यमी क्रंची सा पकौड़ी बनकर तैयार हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, एकदम से पकौड़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना था और एकदम से फुली फुली टाइप का बना था, जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैंने नाश्ते में खाने के लिए पकौड़ी को एक कटोरी में निकाल ली हूँ। जैसा कि दोस्तों, आज का मेरा ब्रेकफास्ट यही था। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही हूँ। एकदम से क्रंची सा पकौड़ी बना था। ये देखिए दोस्तों, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट क्रंच क्रंच सा पकौड़ी था। उसके बाद दोस्तों, मैं नाश्ता बनाकर खाकर फिर, जैसा कि आप लोगों को पहले के भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, मैं 11 बजे के करीब छत पे कपड़ा जो सुबह में डालती हूँ वो लाने के लिए जाती हूँ। तो जैसा कि मैं आज भी कपड़ा लाने के लिए गई हुई थी, तो ये देखिए सुबह का मौसम एकदम से धूप वाला था और अभी 11 बजे के करीब आसमान में बादल आया हुआ है, बादल चल रहा है। वही बात हुआ दोस्तों, जैसा कि बरसात के सीज़न में कुछ बोला नहीं जा सकता है, कब बादल आ जाए, कब धूप हो जाए, कब बारिश हो जाए, इस चीज़ का कोई लिमिट नहीं रहता है। वही चीज़ आप लोग भी देख ही रहे हैं। ये सब नज़ारा आज 15 अगस्त का ही है, जैसा कि सुबह में एकदम से प्रचंड वाला धूप किए हुए था और 11 बजे के करीब बादल छा गए। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मेरे पड़ोसी का, जिसके मेरे घर के बगल के आदमी का गेहूं मेरे छत पे मेरे यहाँ पसारा हुआ है। जैसा कि आप लोगों को मैंने आज
सुबह का नज़ारा दिखाया था कि बहुत अच्छा ही धूप किए हुए था। तो यहाँ पे ये देखिए उनका गेहूँ सूख रहा है मेरे छत पे। उसके बाद ये देखिए दोस्तों छत पे जो फ्लावर का पेड़ है उसमें कितना सुंदर अच्छा ब्यूटीफुल सा फूल निकला हुआ। उसके बाद चलिए दोस्तों जैसा कि अब लंच बनाने का टाइम हो गया है तो अब लंच बनाते हैं। आज मैंने लंच में दोस्तों नेनुआ चना की सब्ज़ी और सत्तू का झोर और चावल यही बनाई थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नेनुआ की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने काला चना को कुछ घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दी थी। उसके बाद जाकर ये तैयार होता है फूलने के बाद। उसके बाद ये देखिए दोस्तों मैं पैन को गैस पे चढ़ा दी हूँ, उसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ, उसमें जीरा लाल मिर्च और करी पत्ता का फ़ौरन लगा दी हूँ। जब फ़ौरन हो गया है तो उसमें जो कट करके प्याज रखी हुई हूँ उसको डाल दूँगी गोल्डन ब्राउन होने के लिए। उसके बाद जब मेरा प्याज हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों जब मेरा प्याज हो गया तो इसमें जो चना था काला वाला उसको डाल दूंगी। और जैसा कि दोस्तों मैं पहले के ब्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि मैं नेनुआ का सब्जी मसाले वाला नहीं सिंपल सिर्फ हल्दी नमक पे बनाती हूँ, उसी तरह का आज भी बनाई थी दोस्तों। ये सब्जी मेरा एकदम से हल्दी और नमक का था, इसमें और भी कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं गया था, जैसा कि मैं और कोई मसाला डाली ही नहीं थी, एकदम से सादा वाला सब्जी नेनुआ का बनाई थी दोस्तों। वैसे भी दोस्तों मेरे तरफ इसको नेनुआ बोला जाता है, बहुत से जगह पर इस सब्जी को तुरई बोला जाता है दोस्तों, बट हम लोगों की तरफ नेनुआ कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों जब प्याज और चना अच्छे से मिक्स हो गया है तो जो कट करके नेनुआ रखी हुई थी उसको डाल दी हूँ। अब इसको इन सब चीज़ों के साथ आपस में अच्छे से मिक्स कर दूँगी, उसके बाद ऊपर से एक भी पानी नहीं डालूंगी दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर आपने इस नेनुआ का सब्जी बनाए होंगे तो आप लोग को भी पता ही होगा कि नेनुआ पानी बहुत ज़्यादा छोड़ता है, इससे पानी निकलता है, इसमें ऊपर से पानी डालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग भी देख ही रहे हैं इसमें मैंने ऊपर से एक बूंद भी पानी नहीं डाली हूँ और ये अपने आप पानी निकाल रहा है। उसके बाद दोस्तों जो नेनुआ से पानी निकला है उसी से मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसमें ऊपर से पानी नहीं डाली हूँ। और मेरा सब्जी दोस्तों एकदम से सादा बिना मसाला वाला है, सिर्फ हल्दी और नमक का। उसके बाद चलिए दोस्तों सत्तू का झोर लगाने के लिए मैंने उसी पैन को साफ़ कर ली हूँ, फिर उसमें तेल सरसों का डाल दी हूँ और जीरा लाल मिर्च और करी पत्ता फ़ौरन लगा दी हूँ। जब फ़ौरन हो गया है तो जैसा कि मैं सत्तू को पानी में घोल कर रखी हुई थी उसको डाल दी हूँ, उस पर से इसमें हल्दी और नमक डाल दी हूँ बस दोस्तों, इसमें भी कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाली हूँ। जैसा कि दोस्तों मेरे पास यही एक पेन है इसीलिए इसी को साफ़ कर कर के कोई एक्स्ट्रा दो तीन चीज़ बनाना रहता है तो मेरे को साफ़ करके इसी में बनाना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद ये देखिए दोस्तों अभी पानी वाला घोल डाली थी सत्तू का और अभी देखिए दोस्तों तुरंत कुछ सेकंड में डालते ही ये कितना गाढ़ा टाइप का हो गया है।
जैसा कि दोस्तों बिहार का फेमस सत्तू होता है, जो लिट्टी चोखा फेमस है, वो यही सत्तू से बनाया जाता है। तो उसी सत्तू का मैंने आज लंच में झूर लगाई थी दोस्तों, उसी का रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से सत्तू का झूर बनता है। जैसा कि दोस्तों दाल और कढ़ी खाकर थोड़ा सा मन उठ सा जाता है, तो कुछ अलग सा करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आज लंच में चावल के संग सत्तू का झोर बनाई थी। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अपना लंच का थाली लगा ली हूँ लंच करने के लिए, आज मेरे लंच की थाली में चावल है, नेनुआ चना का जो सब्जी बनाई थी वो सब्जी है, आलू का चिप्स है, और सत्तू का झोर जो झोर बनाई हूँ वो सत्तू वाला झोर है दोस्तों। आज का मेरा लंच यही है। प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल का ग्रो कराइए दोस्तों आप लोग। थैंक यू दोस्तों।